अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक फिर न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। यहाँ पर जो है वो इतने मज़े का सालन बना था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको क्या बताऊँ, आलू और शोरबा इतने मज़े का था कि मैंने इसमें रोटियाँ ऐसे डाली थी ताकि नरम हो जाए और मैं इसे खाऊँ। और ये देखें भाई, ये रोटियाँ तो हमने बनाई, पहले तो हमने खा ली, फिर हमने बनाई सबके लिए। मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ, आप ना रोटी को हल्का हल्का सेका करें, उसके बाद ना दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सेकने के बाद आप उसे चूल्हे पे ऐसे रखा करें, सिर्फ रोटी फूल जाती है। इतनी मज़ेदार सी फूली फूली रोटियाँ बनती है ना, सर्दी में गरम गरम रोटी का मज़ा ही कुछ और होता है। अब सर्दी में ठंडी रोटी तो खाई नहीं जाती है, इसलिए सबको गर्म गर्म बना के ही देनी पड़ती है। अभी देखिए फूली फूली इज्जत ही नहीं रखती भाई। और भाई ये रोटी तैयार होगी और मैं आपको बहुत ही अच्छी सी ये चाय की पत्ती शेयर करती हूँ। ये बलूचिस्तान टी कंपनी, इतनी ज़बरदस्त चाय है कि ये थोड़ी सी डलती है और इतना अच्छा कलर जायका और मतलब सही चल जाती है। और ये ना बहुत बारीक इसके दाने होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होती है क्वांटिटी में और इसका कलर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये चाय ना अच्छी लगी, हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत अच्छी, इतनी सी डलती है, इससे डबल डलती है। और ये देखिए भाई, खाने के बाद तो चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। सर्दियों में गर्म गर्म चाय और क्या चाहिए भाई। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, गैस इतनी कम आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और रात का इख्तिताम होगा हमारा फीस्ट पर आइसक्रीम। ठंडी ठंडी सर्दियाँ और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, दोनों का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं अपने भाई को कहती भाई आ जाओ, तुम भी अपनी आइसक्रीम लेकर आ जाओ, लेकिन वो जो है वो नाराज़ होकर बैठा हुआ था। चलो भाई कोई बात नहीं, हम ही खा लेते हैं, हम ही कौन सा किसी के नखरे हैं भाई। ये देखें आप, इतनी मज़े की मुझे लगती है ना ये आइसक्रीम के, मैं बता नहीं सकती। इतनी महंगी कर दी ना पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।